अब डीवी के अंदर एक बनाओ फाइल, डीवी के अंदर एक बनाओ फाइल, एक कनेक्ट डीवी नाम से, डीवी के अंदर एक फाइल बनेगी कनेक्ट डीवी। डीवी के अंदर एक सब लोग फाइल बना लें कनेक्ट डीवी नाम से। डीवी नाम का एक फोल्डर बना होगा ना पहले से ही, तो उसके अंदर एक फाइल बनेगी कनेक्ट डीवी। आज हमें क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है और एक मॉडल बनाना है। मॉडल जो मॉडल वाला फोल्डर है हमारा, उस पे काम करेंगे। ठीक है, अब देखो मोंगो डीबी से कनेक्टिविटी करने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, मोंगोस का। आओ वेबसाइट पे लिखो मोंगोस, वेबसाइट पे आ जाओ, सर्च करो मोंगोस। हाँ यही मोंगोस, इसी को ओपन कर लो। देखो क्या लिखा है, सब लोग पढ़ो मोंगोस में क्या लिखा है, मोंगो डीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर नोड जेएस। हम इसी पे तो काम, हम टोटल जो काम करने वाले हैं हम इसी पे करने वाले हैं, मॉडल पे ही। तो मोंगो डीबी से कनेक्टिविटी करने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, मोंगोस का। मोंगोस क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर नोड जेएस। मतलब आप जी मांग चलो कि मोंगो डीबी का एक तरह का फ्रेमवर्क है ये, है ना। जो मोंगो डीबी के अंदर बड़ी बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ती थी ना, मैं हम मोंगोस का यूज करके क्वेरी हमारी बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसी का ही यूज करेंगे कनेक्शन करने के लिए, ये क्वेरी का आगे चल के। ओके, अब हम काम किस पे कर रहे हैं, एमबीसी पे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मोंगोस को हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो आओ उस पर क्लिक करो, रीड द डॉक्यूमेंट पे। अब ऊपर दिख रहा है क्विक स्टार्ट लेफ्ट साइड में, इस पे क्लिक करो। हाँ इसी पे क्लिक करो। हाँ जी ऊपर आई कमांड आ गई, एनपीएम हुई, सिंपल है। एनपीएम आई मोंगोस कर लो सब लोग, एनपीएम आई और मोंगोस सब इंस्टॉल कर लें बीएस कोड पे। एनपीएम आई मोंगोस, हाँ एनपीएम आई सब लोग स्पेलिंग से लिखना मंगोश के, एनपीएम आई मंगोश। हाँ सबने कर लिया, एनपीएम आई मोंगोस, MONGOOSE मोंगोस हो गया। चलो अब चलो ऐप डॉट, उस पे ऐप डॉट जिस पे जाना होगा अभी, उस पे डीवी पे। हाँ डीवी पे ही आ जाओ, डीवी पे। डीवी के अंदर कॉन्टेक्ट, अभी हम लिखो उसे लिखो कॉन्स्टेंट, क्या नाम, कॉन्स्टेंट मोंगोस इक्वल रिक्वायर, मोंगोस इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन मोंगोस, एंटर दे दो। ठीक है अब नीचे आ जाओ, रिक्वायर कर लिया हमने मोंगोस को, अब लिखते हैं। मैं लिखो कॉन्स्टेंट, लिखो कॉन्स्टेंट, लिखो यूआरएल, URL इक्वल, देखो डबल कोट के अंदर जो मोंगो डीबी का वो होता है ना पाथ होता है, लिखना होता है मोंगो डीबी। देखो मोंगो डीबी वहां से कॉपी कर लेना, वहीं दिया होगा। देखो वेबसाइट, वेबसाइट चलो बैक करो, ये दिया नीचे, ये दिया नीचे, ये नीचे दिया नीचे, देखो नीचे कनेक्ट में दिया, कनेक्ट में ये मोंगो डीबी डॉट डॉट स्लैश, हाँ यही यही वन लोकल होस्ट, ये पोर्ट होता है मोंगो डीबी का, ये पेस्ट कर लो, यहाँ पीछे पेस्ट कर लो। ठीक है, जो मोंगो डीबी का पोर्ट होता है वही लोकल होस्ट फिर इसका। अब देखो यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट, देखो यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे देना होता है हम अपने डेटाबेस का नाम। देखो लगा हटा, लिखो टेक्स्ट, देखो ब्लॉक प्रोजेक्ट, ब्लॉक प्रोजेक्ट लिख दो। ठीक है,
याद होगा जब हम लोग मोंगो डीबी स्टार्ट करते थे तो ये पोर्ट आता था लिखा हुआ सीएमडी चालू करना, वहां पे लिखना सीएमडी चालू करना, सीएमडी टर्मिनल में सीएमडी स्टार्ट करो, वहां पे लिखो मोंगो नेक। हाँ मोंगो, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कनेक्टिंग टू मोंगो डीबी डॉट डॉट आ रहा है पूरा, देखो दिखा रहा ना कनेक्ट के लिए मोंगो डीबी से, है ना, यही सेम पाथ आने वहां पर दिया है। आ जाओ चलो अब उस वाले पे आ जाओ, और फिर स्लैश के बाद हमें क्या देना होता है, अपने डेटाबेस का नेम देना होता है। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, अब देखो पता है अब सबसे बड़ी खासियत क्या है, अब पता है जब हम जो एमवीसी पे काम कर रहे हैं, अब हमें मोंगो डीबी के अंदर जाके डेटाबेस का नाम नहीं देना है, ना हमें वहां पे कोई कलेक्शन का नाम देना है, ना हमें कलेक्शन के अंदर वो बनानी है, फील्ड है बनाते थे नेम ईमेल, वो सारा काम हम यहीं करेंगे, ठीक है, वो सारा काम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही करेंगे, और यहां से हम मोंगो डीबी में पहुंचा देते हैं। मतलब हम लोग मोंगो डीबी एक तरह के डिपेंड नहीं है, कल को मांग चलो आपने अपना ये प्रोजेक्ट किसी को भेजा, अब आपसे बोलेगा भाई डेटाबेस भेज दो, है ना टेबलर कलेक्शन भेज दो, है ना कलेक्शन भेज दो, फील्ड भेज दो, तो वो यहाँ झंझट नहीं है। जो जो कलेक्शन के अंदर जो फील्डें बनेंगी ना, वो सारी फील्डें हम मॉडल के अंदर बनाएंगे, ठीक है, और जो कलेक्शन भी बनेगा ना वो मॉडल के अंदर ही बनेगा, मॉडल के अंदर क्या बनता है कलेक्शन, और कलेक्शन की फील्ड है, ठीक है ना, अभी देखोगे समझ आएगा। तो आ जाओ नीचे, डेटाबेस का नाम हो गया जी, ब्लॉक प्रोजेक्ट क्या है ये डेटाबेस का नाम, थोड़ा नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, अब चलो अब कनेक्शन का कोड कर लेते हैं, सिंपल सा भी सिंपल सा है, लिखो कॉन्स्टेंट कनेक्ट डीबी। अब मैंने पता अलग क्यों करवाया ये जानते हो, यूआरएल में कल को हम लाइव डेटाबेस लगाएंगे, आगे चल के हम लाइव डेटाबेस का लिंक लगाएंगे, तो इसलिए मैंने पहले से यूआरएल अलग कर दिया, ठीक है, लिखो कनेक्ट डीबी इक्वल एरो फंक्शन, एरो फंक्शन कर्ली बैग लगा लो, अब लिखो उसके अंदर रिटर्न, रिटर्न करो, रिटर्न करेंगे रिटर्न मोंगोस डॉट कनेक्ट, मोंगोस डॉट कनेक्ट अपने आप आ जाएगा, और उसके अंदर फंक्शन का साइन लगा के यूआरएल दे दो, यूआरएल। अब नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ, स्पेस देखे और नीचे आ जाओ थोड़ा, अब मांगे चलो कनेक्ट होता है, तो हमने प्रॉमिस सीखा था, तो जब प्रॉमिस रिटर्न करेगा एक तरह का, तो हम लिखेंगे डॉट देन फंक्शन का साइन, उसके अंदर एरो फंक्शन, याद होगा एरो फंक्शन, और कर्ली ब्रैकेट्स लगा के लिख दो कंसोल डॉट लॉग में, लिख दो कनेक्टिंग सक्सेसफुली, बिल्कुल सिंपल से गया कनेक्शन मैंने अभी, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, और फिर कैच लगाते हैं, तो नीचे कैच लगा लो सी कर्ली ब्रैकेट्स के नीचे, और कैच में कर देना वही एरर वाला काम, एरर फंक्शन लगा के उसमें लिख लो फंक्शन, लिख दो फंक्शन के साइन लिख दो एरर, फंक्शन के साइन लगा उसमें लिख दो एरर, नहीं, अंदर हाँ इसी में लिखो एरर, तो एरर आएगी उसमें कि एरर क्या आ रही है, वो एरर यहाँ पास कर दो सिंपल से बस, ठीक है, और नीचे वो कर लो मॉड्यूल एक्सपोर्ट लाइन नंबर 16 के बाहर, मॉड्यूल एक्सपोर्ट जी तुम्हारा बन गया कनेक्शन सिंपल सा बिल्कुल एक लाइन का, और लिख दो वही कनेक्ट डीबी, वही जी कनेक्ट डीबी, बस अभी इनको दिखा दो थोड़ा ऊपर जाके, थोड़ा ऊपर थोड़ा खिसका लो थोड़ा इससे इनको दिख जाए सही से, हाँ बस अब ये सब नोट कर लो कनेक्शन। अब इस कनेक्शन को हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि सारे पेजों पर पे चले हमारा कनेक्शन जी, सारे कंपोनेंट सारे पेजों पर पे। तो हम इसको ऐप डॉट जेएस पे कॉल कर देंगे अभी चल के, और हमारा मोंगो डीबी से कनेक्टिविटी हो जाएगी, कितना सिंपल है, देखो सिर्फ एक लाइन लिखी है आपने मोंगोस डॉट कनेक्ट, बाकी तो देन कैच वही है, कनेक्ट होगा तो मैसेज दे देगा नहीं तो एरर दे देगा, सबसे सिंपल बैकएंड है।
नोट हो जाए बता देना। सर हाँ जी हाँ, अब इतना हमने कर लिया। अब चलो अब बढ़ते हैं कहाँ पर, ऐप डॉट जे एस पे। ऐप डॉट जे एस पे आ जाओ सब लोग, रिक्वायर कर लो पहले इसको, रिक्वायर कर लो ऊपर चल के। सबसे पहले ऊपर ही रिक्वायर कर लो, कनेक्ट डीबी, कनेक्ट डीबी वही सेम लिखना ऐसे है ना, रिक्वायर रिक्वायर और फिर डॉट स्लैश आएगा, डॉट स्लैश डीबी स्लैश कनेक्ट डीबी। ठीक है, अब इसको कॉल कर लो इसी के नीचे, लाइन नंबर 7 के नीचे से। नहीं, ऊपर ही ऊपर ही कर लो, 7 भी कर लो, यहीं कॉल कर लिखो, कनेक्ट लिख लो, लिख लो यहाँ पे लिख लो है ना, कनेक्ट वाला सिस्टम, कनेक्ट डीबी, सिंपल फंक्शन कॉल करना। अब कनेक्ट डीबी का एक फंक्शन ही तो है, उसको हमने यहाँ कॉल कर दिया लिख के, लिख दो कनेक्ट डीबी, फंक्शन का साइन लगा दो बस। ठीक है, अब क्या हुआ, फंक्शन कॉल हो गया। सबसे पहले पे यही तो चलता है ना, सबसे पहला पेज कौन चलता है, बाय डिफॉल्ट ऐप डॉट जेएस। तो ये फंक्शन कॉल होगा, यहां से कहां पहुंचेगा, कनेक्ट डीबी पहुंचेगा और तुम्हारा कनेक्शन कर देगा। ठीक है, अब सेव करो, सेव सर्वर चालू करो दोबारा से एक बार, टर्मिनल में मैसेज आएगा। हाँ देखो आगे मैसेज लिखा हुआ, थोड़ा ऊपर कर देना टर्मिनल, सब देखो ये लिखा गया कनेक्ट डीबी। अभी ये थोड़ी बहुत एरर आ रही है, ये भी हट जाएंगे आगे चल के, हटा दूंगा, हटवा दूंगा। देखो पहले यहां देखो, नीचे मैसेज आ गया कनेक्ट डेटाबेस कनेक्टेड, सब देख लो डेटाबेस कनेक्टेड आ गया लिखा हुआ सबके में, चेक कर लो जी, लिखा भी आएगा जी, तो वार्निंग आ रही है बस अकेली, नीचे लिखा भी आएगा जो आपने वहां पर दिया होगा, वहां चलना ना कनेक्ट टीवी पे, कनेक्ट डी वाली फाइल पे आना, जो आपने लिखा है ना मैसेज के अंदर, इसे लिखा था मैसेज में डेटाबेस कनेक्टेड, तो जैसे सेव करेगा इसका देखो मैसेज लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मोंगो डीबी से कनेक्शन हो गया। और अभी जी ऊपर जो आ रहे हैं ना नोटिफिकेशन, ये वार्निंग ये भी हटा देंगे कोड करके आगे चल के भी, पहले इतना देखो आपका आया कि नहीं आया। क्या करना है, अब हमें जो कलेक्शन बनाना है, फिर से सुन लो, डेटाबेस कनेक्शन हो गया हमारा, अब जो हमें कलेक्शन बनाना है, जैसे हमारा डेटाबेस का नाम हो गया ब्लॉक प्रोजेक्ट, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्लॉक इंसर्ट करने हैं, तो हमारे कलेक्शन का नाम क्या रहेगा, ब्लॉक। ठीक है, उस कलेक्शन के अंदर फील्ड क्या क्या रहेंगी आपकी, टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज, उसके अंदर क्या क्या फील्ड रहेंगी, टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज। तो अब जिस फील्ड है हम मोंगो डीबी में जाकर नहीं बनाते हैं, ये फील्ड है और ये कलेक्शन का नेम हम ये किसके अंदर बनाते हैं, मॉडल के अंदर। ठीक है, समझा गया, तो हम बनाते हैं पहले मॉडल का नाम, मॉडल नाम को ब्लॉक, देखो ब्लॉक डॉट जेएस, ब्लॉक डॉट जेएस, ब्लॉक मतलब कलेक्शन का नाम हो गया, बी कैपिटल रख लो, ब्लॉक डॉट जेएस, आप इसको कलेक्शन समझो, वैसे मॉडल ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई डेटाबेस बनाओगे, जब भी कहीं आप इंसर्ट करोगे, तो सबसे पहले उसका कलेक्शन कहां बनेगा, मॉडल के अंदर। जैसे कैटेगरी का इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले कैटेगरी का मॉडल बनेगा, अबाउट में डेटा इंसर्ट करना है, अबाउट का मॉडल बनेगा, क्योंकि उसी मॉडल के अंदर कलेक्शन का नाम होगा और फील्ड का नाम होता है। ठीक है, याद रखना, अभी करते हैं समझ आता जाएगा। तो चलो अब बनाते हैं हम लोग क्या, मॉडल, तो इसीलिए हम लोग इसको मॉडल बोलते हैं। लिखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट मोंगोस, और ये सारा काम हमारा कौन करके देता है, देता है मोंगोस, मोंगोस इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन सिंगल कोट में मोंगोस,
अब नीचे आ जाओ। अब बनाएंगे हम क्या स्कीमा, मतलब फील्ड बनाएंगे। तो फील्ड यहाँ कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है स्कीमा। ठीक है, लिखो डिफाइन स्कीमा कमेंट में, देखिए ना डिफाइन स्कीमा, उसी को हम लोग फील्ड बोलते हैं ऐसा। हाँ स्कीमा। अब नीचे लिखो कॉन्स्टेंट ब्लॉक स्कीमा बी कैपिटल ब्लॉक एस कैपिटल ब्लॉक स्कीमा इक्वल। अब बनाएंगे हम एक ऑब्जेक्ट स्कीमा का, उसके अंदर बनाते हैं फील्ड। देखो न्यू 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 किसको शो करता है हमेशा एक ऑब्जेक्ट को, न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा स्मॉल में आएगा अपने आप। हाँ मोंगोस डॉट स्कीमा अपने आप आ जाएगा, आगे देखो स्कीमा स्मॉल वाला चाह कैपिटल कैपिटल रहेगा वो। हाँ फंक्शन का साइन और कर्ली ब्रैकेट लगा दो। हाँ कैपिटल 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 रहेगा वो मेथड उसका, फंक्शन का साइन और कर्ली ब्रैकेट लगा दो अंदर ही इसके बस। अब जी क्या बन गया हमारा ब्लॉक स्कीमा का एक ऑब्जेक्ट बन गया, देख रहा है सबको बन गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या बनाएंगे, अपनी फील्ड बनाएंगे। मतलब हम मोंगो डीबी पर डिपेंड नहीं है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट आप किसी को भेजोगे वो अपने में सिंपल लिखेगा नोड नोड मॉड्यूल, ऑटोमेटिक उसके मोंगो डीबी में जाके डेटाबेस बन जाएगा, ऑटोमेटिक कलेक्शन कलेक्शन बन जाएगा, जानते हो, क्योंकि तो हम डिपेंड नहीं है मोंगो डीबी पे, हम सारा काम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से भेजते हैं मोंगो डीबी के अंदर डेटाबेस और कलेक्शन। अब बनाते हैं फील्ड, लिखो अब देखो फील्ड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो लिखो टाइटल टाइटल और कोलन कर्ली ब्रैकेट लगाओ कर्ली ब्रैकेट एंटर दे दो। लिखो अब टाइटल क्या है, टाइप देखो उसका टाइप कैसा होगा, इसका स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का होगा ना सिंगल। हाँ लिखो स्ट्रिंग एस कैपिटल स्ट्रिंग कॉमा लगाओ, इसको मैं रिक्वायर करना है, नीचे आओ लिखो यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू 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 कर दो ट्रू। अब नीचे आओ लाइन नंबर 10 पे कॉमा लगाओ, लिखो डिस्क्रिप्शन, ये हमारे दो फील्ड होंगे डिस्क्रिप्शन, सेम कोलन कर लिया कि टाइप स्ट्रिंग कर लो है ना वही सेम चीज। रिक्वायर्ड ठीक है। अब लाइन नंबर 13 बंदा पे आ जाओ। अब पता क्या होगा, जब हम डेटाबेस इंसर्ट करेंगे ना तो हम चाहते हैं कि जब हम इंसर्ट करें तो हमें ऑटोमेटिक डेट मिल जाए, ऑटोमेटिक टाइम मिल जाए, जैसे आपने ब्लॉक इंसर्ट किए है ना, तो हम चाहते हैं कि हम फ्रंट एंड पे ये भी दिखा सकें ये ब्लॉक कब अपडेट हुआ कब इंसर्ट हुआ है। अब आपने कुछ अपडेट किया तो हमें उसका डेट टाइम मिल जाए, ऑटोमेटिक मिल जाए आपको। तो हम क्या करेंगे लाइन नंबर 15 कर्ली ब्रैकेट वाले को कॉमा लगा के कॉमा कर्ली ब्रैकेट लगाओ टाइम स्पेम लगा दो कर्ली ब्रैकेट लगाओ कर्ली ब्रैकेट टाइम्स स्टैम्प। हाँ ये आ गया स्टैम्प पे ठीक है। इसको कोलन ट्रू कर दो कोलन ट्रू, ये पता क्या करेगा जी आपको दो फील्ड बना के देगा बाय डिफॉल्ट। कब, जैसे हम ब्लॉक इंसर्ट करेंगे ना है ना, तो डेटाबेस के अंदर कलेक्शन के अंदर दो फील्ड बना देगा, एक क्रिएटेड एट और एक अपडेटेड एट नाम की। क्रिएटेड एट में क्या दिखाई देगा कि ब्लॉक आपने कब अपडेट किया था और क्या टाइम था ठीक है। अब उस ब्लॉक के अंदर कोई अपडेट करोगे ना तो हमें डेटाबेस में दिख जाएगा कि आपने ब्लॉक कब अपडेट किया क्या टाइम था, उसका डेट टाइम दोनों आते हैं ठीक है। समझा किसकी मदद से, टाइम स्पैम की मदद से ऑटोमेटिक आएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारा क्या बन गया, हमारा क्या बन गया स्कीमा बन गया, हमारी फील्ड बन गई। अब हमें क्या करना होगा, अब ये फील्ड रहेंगी किसके अंदर, ये फील्ड किसके अंदर रहेंगी, तो हम बनाना होगा कलेक्शन। आओ नीचे आओ मॉडल बनाना होगा मॉडल, आओ नीचे सी के नीचे आओ लिखो कॉन्स्टेंट ब्लॉक मॉडल। अब यहाँ लिखो लिखो यहाँ लिख लो क्रिएट कलेक्शन कमेंट लिख लो क्रिएट कलेक्शन क्रिएट कलेक्शन। ऊपर क्या बन गई कलेक्शन की फील्ड ठीक है। अब कलेक्शन लिखो लिखो कलेक्शन का नाम रखते हैं हम लोग ब्लॉक मॉडल, यानी लिखो ब्लॉक मॉडल बी कैपिटल एम कैपिटल ओके मॉडल बना रहे हैं ना ब्लॉक मॉडल इक्वल लिखो मोंगोस डॉट मॉडल मोंगोस डॉट मॉडल फंक्शन का साइन सिंगल कोट में लिखो ब्लॉक ब्लॉक और सिंगल कोट के बाहर जाकर लिखो स्कीमा ब्लॉक स्कीमा
कोमा लगा के, ब्लॉक स्कीमा डास, ये हमारा क्या बन गया, कलेक्शन पूरा मॉडल बन गया, मतलब ब्लॉक मॉडल बन गया। देखो हमने क्या किया, लाइन नंबर 19 में देखो, हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल वेरिएबल किस नाम से बनाया हमने, ब्लॉक मॉडल, क्योंकि हम मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो हमने वेरिएबल किस नाम बनाया, ब्लॉक मॉडल। अब इस ब्लॉक मॉडल के अंदर क्या है, इस ब्लॉक मॉडल के अंदर कलेक्शन का नाम है आ रहा है, कलेक्शन का नाम क्या है आपका, ब्लॉक। कमेंट में लिखना ना, कमेंट में ब्लॉक क्या है, कलेक्शन का नाम लिखा हुआ है ये मॉडल के अंदर, ये कमेंट लगा लो नीचे कहीं, लिख लो जो ब्लॉक लिखा है ना मॉडल के अंदर, ये कलेक्शन का नाम है आपका, ठीक है, ब्लॉक लिखा है ना, ये कलेक्शन का नेम है आपका, और जो ब्लॉक स्कीमा लिखी है उसके अंदर क्या आ रहा होगा, कलेक्शन की फील्ड आ रही है, ये भी लिख लो, जो ब्लॉक स्कीमा है ना ये, इसके अंदर क्या आ रहा है आपकी, देखो लिखा है ना, ये इसके अंदर क्या आ रहा है, जो आपकी फील्ड है वो आ रही है। और इसको हमने किस में स्टोर कर लिया, ब्लॉक मॉडल के अंदर, और इसी ब्लॉक मॉडल को हम कॉल करेंगे कि चल के आगे चल के कंट्रोलर पर, ठीक है सब लोग। अब नीचे आओ लाइन नंबर 22 पे आ जाओ, मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लो, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे ना आगे चल के कंट्रोलर पर, नीचे आके लिख लो मॉड्यूल एक्सपोर्ट इक्वल ब्लॉक मॉडल, वही सेम सेम वही सेम, हाँ यही बस, ठीक है सब लोग। अब देखो अब सिंपल है, अब जी हमने क्यों बनाया, हमें ब्लॉक का डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। अब मांगे चलो मैं आपसे कहूंगा कि कैटेगरी का इंसर्ट करो डेटा, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक बनाओगे ना मॉडल, तो आओ फिर समझ में अच्छे से आ जाएगा, मॉडल के अंदर बनाओ कैटेगरी नाम का एक मॉडल, कैटेगरी डॉट जेएस, मैं कहूंगा कैटेगरी में डेटा इंसर्ट करना है, तो पहले आप क्या बना लोगे, कैटेगरी नाम का एक मॉडल, क्योंकि उसी के अंदर तो कलेक्शन ऑफ फील्ड बनेंगे उसकी, आप पूरा वो कॉपी कर लो ब्लॉक वाला, पूरा पेस्ट कर लो उठा के, अब जहां पे ब्लॉक लिखा है वहां पर कैटेगरी कर दो बस, जहां ब्लॉक लिखा है वहां पर कैटेगरी कर दो, डिस्क्रिप्शन उठा के सिर्फ कर दो सी टाइटल, कर दो सी नेम, कैट नेम कर दो, टाइटल लिखा है ना इसको नीचे लाइन नंबर 7 पे, इसको सी नेम कर दो, फील्ड नेम सी नेम, फील्ड नेम कर दो, कैट नेम कर दो ना, कैट नेम कर दो, कैट नेम cat_name डिस्क्रिप्शन डाल दो, एक ही फील्ड रहेगी कैटेगरी में, ठीक है। अब नीचे चेंज कर लो, जहां ब्लॉग लिखा है वहां पर कैटेगरी कर दो, कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल जी, तो स्मॉल सी कैप्ट बाकी सब स्मॉल आएगा, अब ब्लॉग लिखा है उसको कैटेगरी कर दो, बन गया कलेक्शन उसका मॉडल, जो लिखा है ना ब्लॉक, इसको भी कैटेगरी कर दो ब्लॉक अंदर, हाँ कलेक्शन का नेम यूज चेंज होगा, कलेक्शन नेम तो यही ना, और ब्लॉक लिखा है ना इसको भी कैटेगरी कर दो, ठीक है बस बन गया लोग कैटेगरी नाम का कलेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, मॉडल ही हमारा क्या है, कलेक्शन उसकी फील्ड है, ठीक है सब लोग। अब इनको दिखाओ ब्लॉक डॉट जी एस, दिखाओ आप लोग नोट करें इसको, इनको दे दो चैट में दे दो, गलत नोट ना कर लेंगे, ये नोट कर लें तो कर लें, सीखे भी तो नोट कर लें, थोड़ा याद रहेगा अच्छे से, नोट करने दो, हाँ नोट कर लो, थोड़ा जूम कर दो, सेव कर देना इसको, से सबके कैप्टन रखा करो, कैटेगरी डॉट जी एस नाम से ना लो फाइल सब लोग एक, और ये नोट कर लो, थोड़ा ऊपर खिसका देना, थोड़ा उसको ऊपर खिसका देना लाइन नंबर 5 को, नहीं नहीं लाइन नंबर 5 के ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर दो, ऊपर खिसका लो, तो गैप कम हो जाएगा, हाँ गैपिंग आ रही है जी, बस इस पूरा दिख जाएगा ना। अब जिनको तुम चैट में दे दो, ज्वालन को चैट में दे दो, चैट में दे दो, चैट में दो, थोड़ा मैं पहले वो डेटाबेस में शो करा दूं, कैटेगरी वाले को चैट में दे दो, चलो कैटेगरी वाला पेस्ट कर लो उठा के सब लोग वहां से। अब आ जाओ कंट्रोलर पे, अभी जाके देखो अभी कुछ दिख रहा है मोंगोडीबी में, जाके देखो अभी कुछ दिख रहा है मोंगोडीबी में, जाके देखो मोंगोडीबी ओपन करो, वहां पे देखो डेटाबेस दिख रहा है, दिख रहा है क्या, चेक करो सब लोग,
MongoDB ओपन करके चेक करो डेटाबेस सो रहा है कि आप लोगों को। देखो कहीं दिख रहा है आप सब लोग ब्लॉक प्लेट के दिखा भी सब देख सकते हो साइड में अभी कहीं दिख रहा है देखो अभी कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा ना। चलो अब देखो अब देखेगा अब चलते हैं देखो दिखेगा कैसे आओ क्योंकि हम पहले कलेक्शन कॉल करना पड़ेगा ना ये सबको पता है ना वरना कलेक्शन कहाँ दिखता है। तो अब आ जाओ कंट्रोलर के अंदर एडमिन के अंदर ब्लॉक कंट्रोलर पे आ जाओ कंट्रोलर के अंदर एडमिन के अंदर ब्लॉक कंट्रोलर पे आ जाए सब लोग। हाँ ऊपर चलो लाइन नंबर एक के ऊपर अब यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा मॉडल को हमें पहले तब वहां दिखेगा। देखो कॉन्स्टेंट ब्लॉक मॉडल वो आ गया नीचे इक्वल रिक्वायर रिक्वायर फंक्शन का साइन सिंगल कोट में डॉट डॉट स्लैश नहीं डॉट एक एक ही डॉट आएगा एक को लगाना फोल्डर डॉट डॉट दो लगानी दो लगाओ डॉट डॉट स्लैश वो आ गया मॉडल हाँ स्लैश ब्लॉक वो आ गया एंटर दे दो नीचे थोड़ा। हाँ अब सेव करो सेव हो गया। अब जाके देखो वेबसाइट पे उसको वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश कर देना वेबसाइट पे जाओ वेबसाइट पे अब नहीं और पहले देख लो दिख रहा अब दिख रहा है क्या देखो अब वहां पर जाकर देखो दिख रहा है रिफ्रेश करें देखो मंगड़ी में मंगड़ी भी आगे चेक करो रिफ्रेश करो रिलोड करो तो देखो अब आ गया सब देख लो यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट आ गया इसको ओपन करो प्लस पे क्लिक करना देखो कलेक्शन का नेम भी आ गया दिख रहा है ब्लॉक्स। अभी इसकी फील्ड नहीं आएंगी फील्ड कब आएंगी जब हम उसमें डेटाबेस डेटा इंसर्ट करेंगे तब आएंगी फील्ड ऐसी कैटेगरी वाला भी कर लो जाओ तो कैटेगरी वाले दिख जाएंगे यहाँ पर कैटेगरी का आ जाएगा कैटेगरी कंट्रोल पे जाओ ऊपर रिक्वायर करो मॉडल को अपने कॉन्स्टेंट कैटेगरी मॉडल वेडनेसडे वाली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि हम डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे गलती से मिस मत कर देना ना आपका बहुत नुकसान हो जाएगा उस दिन। सेव करो बस जाके सेव कर दो और जाके चेक कर लो अब तुम्हें कैटेगरी वाला दिख जाएगा देखो आ गया कैटेगरी वाला भाई देखो डेटाबेस का नाम भी आ गया कलेक्शन भी आ गए अब जब हम इंसर्ट करेंगे ना तो यहाँ पे फील्ड भी दिखेंगे और डेटा भी दिखेगा आगे चल के अब इनको भी दिखा दो कर लो ये वाला काम सब लोग अभी अगली क्लास समझ में आ जाएगा आप लोगों को अगली क्लास में कि मॉडल क्यों बनाया कलेक्शन क्यों बने आपको अगली क्लास में क्लियर हो जाएगा अच्छे से।